पहले आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जब भी आप कोई असाइनमेंट बनाएं तो आप उसको गिटहब में ज़रूर पुश कर दें। तो उससे क्या होता है जी कि वो गिटहब एक सोशल मीडिया है डेवलपर्स का, और आपने देखा उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है आपको। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको और भी आइडिया होगा कि गिटहब जो आपने सीख लिया शुरू में उससे काफ़ी डिफरेंस आ जाता है एक आम डेवलपर में जो जो आपके साथ साथ सीख रहा है, जिसको गिटहब नहीं आता और आप में। सही है। अच्छा, उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की कि जी आपने होस्टिंग भी साथ साथ करनी है गिटहब में, जो जी एच पेजेस करके होस्टिंग है वो है। उसके अलावा फायरबेस होस्टिंग का भी मैंने जिक्र कर दिया था, पढ़ाया तो नहीं था शायद कि कैसे होती है। हाँ, वीडियो मैंने एक शेयर कर दी थी अपनी वो पुरानी कि फायरबेस पे कैसे होस्टिंग होती है। तो मैंने आप लोगों के लिए ऑप्शनल किया था कि जी गिटहब में या फायरबेस पे कहीं ना कहीं आपका जो प्रोजेक्ट है वो होस्ट भी होना चाहिए और गिटहब में उसका लिंक लगा हुआ होना चाहिए कि कोई भी आपकी रिपोजिटरी को विजिट करे तो उस पर क्लिक करके लिंक विजिट कर लें, ताकि वो कोड, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कोड को पढ़े। बंदा चाहता है लाइव वो रिजल्ट देखे चलते हुए, कि चलते हुए कैसे दिखती है वेबसाइट की। अच्छा, अब एक तीसरी चीज़ मैं इम्पोज कर रहा हूँ आप लोगों को कि जी आप जितने भी लोग असाइनमेंट बना चुके हैं और उनको लगता है कि जी ये सही बन गया, कंप्लीट हो गया, मतलब कंप्लीट का मतलब कि जो मैंने रिक्वायरमेंट्स दी थी वो अगर आपने कर लिए, कंप्लीट तो खैर कभी भी नहीं होगा वो। सही है, कंप्लीट तो वो कभी भी नहीं होगा। तो ये क्योंकि अपने प्रोजेक्ट में ये होता है, मतलब खुद अपने लिए जब कुछ बना रहा होता है ना बंदा, तो बंदे की एक्सपेक्टेशन, बंदा बोलता है यार मैं ये भी कर दूँ, मैं वो भी कर दूँ, मैं वो भी कर दूँ, ये इस चीज़ से भी बचना होता है। आपने एक लिमिट सेट करनी होती है कि जी ये रिक्वायरमेंट्स है, ये करना है मैंने, दैट्स इट। अब उसके बाद जितना मर्जी दिल चाहे कि जी ये नहीं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, बंदा बोलेगा यार मैं डार्क मोड भी लगा दूँ, मैं ये भी लगा दूँ, मैं वो भी लगा दूँ, ठीक है। तो वो आपने लगाना है डार्क मोड ऑब्वियसली, लेकिन आपने एक लिमिट सेट करनी है कि जी ये इतना करने के बाद ना मैं इसको कंसिडर करूँगा ये कम्प्लीट है, और फिर मैं मूव ऑन करूँगा अगले असाइनमेंट की तरफ, अगले टास्क की तरफ, या अगले प्रोजेक्ट की तरफ मैं मूव करूँगा। तो वो आपने ना राइट डाउन पहले करना होता है। तो वेल, उतना जब आपका हो जाए तो आपने क्या करना है, उसकी वीडियो बना, वो गिटहब में पोस्ट सारा वो तो होगा जैसे पहले होता था, होस्टिंग भी उसकी आपने करनी है, साथ में आपने उसकी वीडियो बनानी है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें आप, या आप फ़ोन से ऐसे करके बना लें स्क्रीन की वीडियो, और उसको आपने LinkedIn.com पे पोस्ट करना है, ठीक है। आज से, आज के बाद जितने भी असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा तो ये आपके लिए मैंडेटरी होगा। आप यहाँ पे मुझे क्या भेजेंगे, लिंक्डइन का जो पोस्ट का लिंक है आप वो मुझे भेजेंगे कि जी ये मैंने सर असाइनमेंट बना के वीडियो बना के डाल दिए, ठीक है। मैं वीडियो पे क्लिक करूँगा, देखूँगा असाइनमेंट, हाँ यार अच्छा बना हुआ, लाइक कर दूँगा, मैं शेयर भी कर दूँ शायद अगर अच्छा बनाया हो आपने तो, ठीक है। तो ये तरीका होगा। अच्छा, क्यों हम ये कर रहे हैं, फॉर द सेम रीज़न कि हमें अपनी मार्केटिंग भी करनी है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मार्केटिंग मैं आपकी करूँगा, लेकिन असल में आप सबको खुद अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मैं तो नहीं हमेशा साथ रहूँगा आपके, तो मैं थोड़ी बहुत आपकी मैं कर दिया करूँगा जितना मुझसे होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपने खुद अपनी मार्केटिंग करनी है। तो गिटहब जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का सोशल मीडिया है, LinkedIn.com जो है वो उस पर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी हैं, लेकिन असल में वो HR वालों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। दुनिया भर में जितने भी HR के डिपार्टमेंट हैं ना, थोड़ी सी भी पढ़े लिखे लोग हैं जो, एक तो है ना मतलब बिल्कुल ही टीन डब्बे की दुकान है तो उसका तो HR ही नहीं होता, सही है। या कोई मतलब दर्जी की दुकान पे दो कारीगर रख के बैठा हुआ है तो वो तो जाहिर है उसका HR तो नहीं होता ना, वो तो खुद ही होता है कि भाई फलां का, अच्छा फलां है, फलां जगह से काम छोड़ा है तो उसको भाई ले आया, रख लिया काम पर, वो तो उस तरह का सीन होता है। लेकिन जितनी भी जो कंपनीज़ है ना जिसमें प्रॉपर हायरिंग होती है, तो उसमें एक HR का बंदा होता है, या सेल्स खुद भी आजकल लिंक्डइन पे होते हैं। छोटी कंपनीज में समटाइम HR नहीं होता, सेल्स खुद ही HR होता है जिसकी कंपनी होती है। तो ये सारे HR वाले जितने भी हैं ना, किसी भी फॉर्म में हो, ये सारे जो है वो लिंक्डइन पे आ चुके हैं। अच्छा, और लिंक्डइन बड़ा पावरफुल प्लेटफॉर्म है। पावरफुल प्लेटफॉर्म इस सेंस में है कि जी मैंने कराची से 6 डेवलपर हायर करने हैं मर्न स्टैक के, या 6 डेवलपर मैंने हायर करने हैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के, ठीक है, कॉटलिन पे जिनको काम आता हो, या मैंने आईफोन ऐप डेवलप करनी है कोई, तो मुझे 2 डेवलपर चाहिए आईफोन डेवलप करने के लिए, आईफोन की ऐप्स, और एक सर्टन जगह से चाहिए, कराची के नाजमाबाद से चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने शायद ऑफिस नाजमाबाद में खोला है मे बी। तो उसमें बड़ा आसान है। तो उसमें क्या करता है, एक जो पार्टिसिपेंट है उसका, या एक जो यूज़र है लिंक्डइन का, वो लिंक्डइन पे आता है, अपनी प्रोफाइल जब वो बना रहा होता है ना, तो लिंक्डइन ने उसको ऐसा डिज़ाइन किया है कि अपनी प्रोफाइल बनाते बनाते वो अपनी पूरी CV बना देता है।
लिंक्डइन का प्रोफाइल इज इक्वल टू सीवी. तो जब आप प्रोफाइल अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो एक्चुअली वो आपकी सीवी बन चुकी होती है. अच्छा, फिर आप कहाँ जॉब कर रहे हैं वो मेंशन करते हैं, फिर आप जब छोड़ते हैं कब से कब तक कहाँ जॉब की, क्या एजुकेशन है, वो सब जब वहाँ पे आ जाती है तो वो जो डेटा है वो क्वेरी हो सकती है उसके ऊपर. ठीक है, वो सर्चेबल डेटा है. वो जस्ट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट तो सर्चेबल नहीं होता ना. प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आपके पास इतनी मोटी गड्डी में सीवी ही दे दूँ आगे, उसमें बोलूँ यार इसमें से ग्रेजुएट कितने उसको अलग करो, जो अंडर ग्रेजुएट है उसको अलग करो, तो वो तो एक एक को देखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा. लेकिन डेटाबेस जब बन जाता है तो उसमें ये बेनिफिट होता है, आप एक क्वेरी लगाते हैं और हो जाता है. तो अब लिंक्डइन पे आप जाएंगे ऊपर सर्च बार में, सर्च बार में आप जाके लिखेंगे कि जी स्किल्स जो है वो कौन सी होनी चाहिए उसकी, कॉटलिन, लोकेशन उसकी होनी चाहिए नाजमाबाद. तो जितने वो लिस्ट आ जाएगी सारी, 2, 4, 5 जितने भी होंगे. तो आप इमेजिन करें दुनिया के किसी भी शहर से किसी भी टेक्नोलॉजी का बंदा मैं हायर कर सकता हूँ, 2 घंटे लगेंगे मुझे. मैं उसकी प्रोफाइल खोलूँगा, फ़ोन नंबर होगा, कॉल मारूँगा, बात हो जाएगी दैट्स इट. तो आपका सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर लिस्टेड होना, आपकी प्रोफाइल सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर बनी हुई होना और उस पर आपका फ़ोन नंबर लिखा हुआ होना, सिर्फ यही चीज़ आपके चांसेस बहुत बढ़ा देता है जॉब मार्केट में. क्योंकि अभी आपको फौरी तौर पे जब आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे कोर्स तो आपको फौरी तौर पे इंटर्नशिप चाहिए होगी, फौरी तौर पे जूनियर डेवलपर की पोजीशन चाहिए होगी. फ़ौरन तो बिज़नेस नहीं शुरू कर सकते ना. बिज़नेस शुरू करने के लिए पहले खुद जाके काम करके देखना पड़ता है, अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं पहले. ऐसा नहीं होता कि बस डायरेक्ट आपने जो ना कोई वो पैसे डूब जाएंगे सारे, पर आपको पता ही नहीं होगा, एक्सपीरियंस ही नहीं होगा कि कैसे होता है. क्योंकि क्लास में तो वो एक फ़र्जी चीज़ें बना रहे होते हैं, जब रियल लाइफ का एक प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको अलग पता जाएगा कि उसमें बिल्कुल नई चीज़ें होती हैं जो आपने पहले नहीं की होती. उसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करना होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, मुश्किल काम है. ठीक है, तो जब आप एज अ इंटर्न होते हैं या एज अ जूनियर डेवलपर आप काम कर रहे होते हैं, आपके पास सीनियर्स होते हैं, आपके पास आपका बॉस होता है, इंचार्ज होता है, फिर वो क्यूए वाले होते हैं, वो सब लोग आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, है ना. क्यों, कैसे कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डज इट मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन, कोई बता पाएगा. मैं चाह रहा हूँ क्लास ज़रा टू वे हो जाए, कोई मुझे ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन बता पाएगा अंग्रेजी में, ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ को कहते हैं. एक साथ मिलके जहाँ पे काम कर रहे हो, बात सही की है, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन कोई मुझे समझा पाएगा कि व्हाट डज इट मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन. हाँ, ये तंजीम तुमने ट्रांसलेशन सही की बिल्कुल. उर्दू में जो है वो तंजीम इसकी ट्रांसलेशन बनती है. तो कोई ज़रा तंजीम को एक्सप्लेन कर दे मे बी. तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, जिसको अंग्रेज़ी अच्छी आती है. और अच्छा भाई दबे, हम लोगों में से कुछ लोगों को लगता है कि हमें अंग्रेज़ी नहीं आती, लेकिन असल में हम आधे से ज़्यादा वर्ड ना अंग्रेज़ी के बोलते हैं. और उसको अगर मिसाल के तौर पर सॉरी एक वर्ड है, बड़ा मशहूर वर्ड है, सब लोग यूज़ करते हैं. अब सॉरी का उर्दू ट्रांसलेशन किसी को भी पता नहीं होता. बताओ क्या होता है? माजरत नहीं होता सॉरी का. माजरत नहीं होता. तो हम असल में अंग्रेज़ी ही बोलते हैं. हम अगर आप सही मानों में देखें ना, हम अंग्रेज़ी बोलते हैं डेली लाइफ में, हम उर्दू बहुत कम बोलते हैं. हम ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं वो तो इंग्लिश के बोलते हैं, उर्दू के वर्ड तो हमें पता ही नहीं होते. बताओ कोई सॉरी का ट्रांसलेशन बताओ. पता है माफ़ करना नहीं होता. शर्मिंदगी काफ़ी करीब करीब इन्होंने वर्ड यूज़ किया. सॉरी असल में कहते हैं अफसोस को कहते हैं सॉरी. ठीक है, सौरों से निकला है वर्ड. ये सौरों होता है ना वर्ड, सुना होगा. तो सौरों से निकला है कि आई एम सॉरी, कि मुझे अफसोस है. जब बंदा को मर जाता है ना, डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी, तो इसका मतलब होता है माजरत नहीं मांग रहा आपसे वो कि यार सॉरी आपका बंदा काटा था मैंने, मेरे से हो गया अभी, माजरत. ये नहीं होता. वो कहता है कि मुझे अफसोस है कि आपका बंदा निकल लिया दुनिया से है. तो ऑर्गेनाइजेशन, मैं ये कह रहा था कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो आपको हेल्प आउट करने के लिए लोग अवेलेबल होते हैं. तो व्हाट डज इट मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट टू मेक इट टू वे, कि आप भी कुछ बोलें. स्ट्रक्चर इदारा होता है. काफी करीब करीब इन्होंने बताया.
काफ़ी करीब करीब बताया आप लोगों ने, मैं भी अपना ओपिनियन देता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ कि व्हाट डज इट मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड निकला है ना, ये निकला ऑर्गेन से। आपकी बॉडी में ऑर्गेन होते हैं, तो ऑर्गेन, हर ऑर्गेन का ना एक अपना काम होता है। मिसाल के तौर पर हाथ का काम जो है वो चीज़ें उठाना या थप्पड़ मारना है, सही है। थप्पड़ आप ज़ुबान से नहीं मार सकते, मतलब ज़ुबान से भी मारते हैं लोग थप्पड़, महावरतन अगर बोला जाए तो, लेकिन फिज़िकली आप ज़ुबान से थप्पड़ तो नहीं मार सकते, है ना। तो अच्छा, फिर नमक चेक करना है तो वो ज़ुबान से होता है। हालांकि उंगली आप डालते हैं, उंगली से गर्म ठंडा चेक हो जाता है, लेकिन नमक ज़ुबान से चेक। तो हर ऑर्गन का एक अपना फिक्स काम होता है, वो सिर्फ अपना काम करता है, किसी और का काम नहीं करता वो। तो ऑर्गेनाइजेशन जो ये वर्ड है ना, वो असल में इसी से इन्होंने बोरो किया है कि जी एक इदारा होगा, उसमें हर बंदे का ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हर बंदे की, वो अपना काम करेगा जस्ट। अगर हर बंदा अपना काम सही सही कर दे तो पूरी की पूरी जो है वो, जैसे कहते हैं ना गवर्नमेंट बॉडी, तो गवर्नमेंट बॉडी जो है उस बॉडी के अंडर में फिर ऑर्गेनाइजेशन आ, यानी ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, सही है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो आपके पास क्या होता है जी, कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जी वो आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे बना के देता है कि जी ये टिकट्स हैं सारे। उसका उसका काम कोड लिखना नहीं है, वो जस्ट आपको बना के टिकट दे देगा, आपको वो टिकट मिल जाएगा। आप डेवलपर हैं, आपका काम है डेवलप करना। अच्छा, फिर जो सीनियर है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोडिंग करे, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि आपके साथ थोड़ा बैठे, उसको ये दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर एक इंचार्ज होता है, अगर आपके सीनियर से नहीं मसला संभल रहा है या सीनियर ज़्यादा बिजी है तो इंचार्ज कहता है अगर आप मुझसे बोलो। इंचार्ज का काम होता है सब सुपरविजन करना कि जी सब लोगों को वो देख रहा होगा कि सब लोग क्या कर रहे हैं। फिर एक क्वालिटी एश्योरेंस का अलग डिपार्टमेंट होता है कि जी यहाँ से जब डेवलपर सॉफ्टवेयर बना के कहता है कि हो गया, तो QA वाले उसको चेक करते हैं, बाकायदा टूल्स हैं, और बड़ा मुश्किल काम है QA का। हम मतलब लोगों को लगता है पता नहीं शायद बिल्कुल ही हलवा होगा, बहुत मुश्किल काम है QA का भी, डेवलपर से भी ज़्यादा मुश्किल काम है आजकल, जो क्योंकि जिस तरह की वो रिक्वायरमेंट आ रही है ना। तो असल में रिसेंटली इत्तफाक हुआ, मेरा एक फ्रेमवर्क है सेलेनियम, वो टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो उस पर काम करने का इत्तफाक हुआ रिसेंटली, तो मुश्किल है वो, अच्छा खासा उसके अंदर टेक्निकलिटीज़ हैं। तो वेल, तो आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं ना, तो वहाँ पे क्योंकि सारे ऑर्गन्स हैं तो वो सारे अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तो आप उस, आपको क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जस्ट आप फिट हो जाते हैं एज अ ऑर्गन, आप फिट हो जाते हैं कि जैसे पाँच चार उंगली है, आप पाँचवीं उंगली बन के वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। किसी जब कोई चीज़ उठाएंगे तो वो पाँचों उंगली मिल के उठा रही है ना, एक उंगली नहीं उठा रही। एक उंगली से चीज़ उठाना बड़ा मुश्किल होता है, पाँचों उंगली से उठाना आसान होता है। तो यू आर जस्ट लाइक फिफ्थ फिंगर आप होते हैं, कि भाई स्मॉल फिंगर के तौर पर आप लगे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मिडिल फिंगर बन जाते हैं। तो मतलब उस सेंस में कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा पावरफुल फिंगर जो है वो मिडिल फिंगर होती है ना, आप बंदे के हाथ में। वेल, तो फिर HR वाले बोलते हैं भाई बहुत बड़ा हो गया ये। तो भाई ये LinkedIn के ऊपर ना जितने भी HR वाले ना सारे उधर आ चुके हैं, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सारे उधर हैं। तो आपने क्या करना है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद फ़ौरन आपने इंटर्नशिप या जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की आपने पोजीशन पकड़नी है। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप LinkedIn पे मौजूद हों, LinkedIn पे आपकी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई हो, दूसरे जो सीनियर डेवलपर्स वहाँ पे पहले से मौजूद हैं उनकी प्रोफाइल्स देखें, आप उनकी प्रोफाइल को देख के अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करें कि जी कैसे उन्होंने किया हुआ है, आप उसको देखें। और सिर्फ प्रोफाइल होना काफ़ी नहीं है, प्रोफाइल तो सबने बनाई हुई है, तो आप स्टैंड आउट कैसे करेंगे। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि आप LinkedIn का अपना पोस्ट कर दें एक दफ़ा, वो तो लगा दिया ना आपने प्रोफाइल में एक बार, वो तो प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि जी ये मेरा LinkedIn का वो सॉरी ये मेरा GitHub का प्रोफाइल है। अब वो कोई GitHub में आपके जाएगा थोड़ी। तो इसका तरीका बेस्ट ये है कि आप LinkedIn पे वक्तन फवक्तन पोस्ट करेंगे कि जी मैंने क्या बनाया, ठीक है, मैंने ये प्रोग्रेस की। तो LinkedIn पे जाहिर है वो पोस्ट किसी ना किसी को तो दिख रही है। मिसाल के तौर पर आप मुझे अगर उसमें मैंशन करते हैं कि भाई इंजमाम मलिक, या आप सैलानी को मेंशन करते हैं, तो जो जो लोग सैलानी को फॉलो करते हैं, जो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, उन सबको वो दिखेगा। तो वो उनको दिखता दिखते 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 आपकी एक फेस उस याद हो जाएगा उनको, अरे यार ये बंदा ना अक्सर ये बनाता रहता है कुछ ना कुछ। तो जब उसको जूनियर वेब डेवलपर चाहिए होगा तो वो आपका नाम उसके सामने होगा, सही है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल और रखना है आपने, जितने भी आपके ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जो प्रोफेशनल वाले प्लेटफॉर्म हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्नैपचैट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, जो GitHub है, LinkedIn है, अगर Facebook को कोई प्रोफेशनली यूज़ करता है,
व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप इज़ अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म नाउ, ठीक है। आमतौर पे अब लोग ये करते हैं कि घर वाला व्हाट्सएप और बिज़नेस वाला अलग रखते हैं, ठीक है। मेरा जो व्हाट्सएप आप लोगों के पास है वो बिज़नेस व्हाट्सएप है, ठीक है, उस पर सिर्फ। तो आपको क्या करना है कि इन तमाम प्लेटफॉर्म पे ना जो प्रोफेशनली आप यूज़ करते हैं, इस पे आपने फ़ोटो जो लगानी है वो लॉन्ग टर्म के लिए लगानी है, और एक फ़ोटो लगानी है सब पे, ठीक है। कोशिश करें कि आपकी तमाम प्लेटफॉर्म पे एक जैसी फ़ोटो हो, ताकि जब आपसे लिंक्डइन पे कोई आपकी फ़ोटो देखे ना, सेम वही फ़ोटो उसको गिटहब में दिखे, वो पहचान जाएगी, अरे ये तो वही बंदा है। या जब वो मैसेज पे बात कर रहा हो तो उसको फ़ोटो आपकी वही वाली दिख रही हो, समझ रहे हो। तो ये कनेक्ट होता है बंदा इससे, और फ़ोटो आपने चेंज नहीं करनी है। एक फ़ोटो आप लगाएंगे अच्छे से सोच समझ के, वो फ़ोटो आपने कम से कम 4-5 साल तक वो फ़ोटो चेंज नहीं करनी है आपने, ताकि लोगों के, फिर वो आपने आहिस्ता आहिस्ता चेंज करनी है। और वो भी जब आप दूसरी फ़ोटो लगाएंगे, आपने कोशिश करनी है कि रिजेम्बलेंस 80% 70% रिजेम्बलेंस हो। ये ना हो कि आप बिल्कुल ही अलग बंदा लगा दें आप, तो वो बंदा फिर बंदे खो जाते हैं। वो कहते हैं यार कि एक बंदा था, वो ऐसे उसके बाल होते थे यहाँ पे ना, वो ग्रीन चश्मा लगाया हुआ था उसने, वो पोस्ट करता था यार, वो मिलता ही नहीं है, पता नहीं किधर चला गया वो। क्योंकि नाम नहीं देखते लोग सोशल मीडिया पे, जब पोस्ट फॉलो कर रहे होते हैं लोग नाम आमतौर पे नहीं देखते, लोग शक्लन आपको पहचानते हैं। इस क्लास में भी ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैं शक्ल से जानता हूँ, नाम मुझे नहीं पता आप लोगों का, लेकिन मुझे कहीं बाहर आप मिलेंगे तो मैं शक्ल से आपको पहचान जाऊँगा। अभी रिसेंटली मैं खड़ा हुआ था मोबाइल मार्केट में, वो कवर चेंज कर रहा था मोबाइल का, तो एक लड़का आ गया, मैंने कहा यार नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन तुम SF में होते हो, तो शक्लन जानते हैं लोग जब, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना बड़ा क्राउड होता है ना, यहाँ पे 200 का क्राउड है, मैं नाम से नहीं जानता, सोशल मीडिया पे इतना बड़ा क्राउड है, हर कोई आपको नाम से नहीं जानेगा। जो ह्यूमन नेचर ये है कि शक्ल से पहले वाकफियत होती है। जो आप तीन तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है ना, एक ऑडियो कम्युनिकेशन होती है, एक विजुअल कम्युनिकेशन होती है, और एक रीडिंग होती है, रीडिंग राइटिंग। तो रीडिंग राइटिंग का इम्पैक्ट सबसे कम है, लिखी हुई चीज़ को सोशल मीडिया पे सबसे कम पढ़ा जाता है, लिखी हुई चीज़ को सबसे कम पढ़ा जाता है। और लिखी हुई चीज़ अगर आपने कहीं पे पढ़ी है तो उसका इम्पैक्ट, यानी कि वो याद आपको बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है। निस्बतन अगर आपने कोई चीज़ सुनी है, जैसे मैं, आप मेरी बात अभी सुन रहे हैं, तो सुनी हुई बात निस्बतन थोड़े लंबे अरसे तक याद रहती है, उसका इम्पैक्ट जो होता है वो थोड़े लंबे अरसे तक होता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली दिमाग उसको लंबे अरसे तक सेव रखता है। मिसाल के तौर पर आपने कहीं पर पढ़ा लिखा हुआ कि जी फला जगह पर ये धमाका हो गया और वहाँ पर इतने बंदे मर गए, तो आपको शायद वो इतने लंबे अरसे तक याद नहीं रहे, लेकिन आपने अगर सुना है ना तो वो आपको लंबे अरसे तक याद रहेगा। किसी ने आपको बताया है, वो वाकया पूरा बताया आपने किसी ने आपको, तो आपको ज़्यादा लंबे, और अगर आपने वो देखा है खुद तब तो ज़िंदगी भर याद रहेगा, तब तो नहीं भूलता बंदा, ठीक है। अल्लाह ना करे किसी को इस तरह की चीज़ें देखने का इत्तफाक हो, लेकिन ये है कि भाई अगर इस तरह का कोई हादसा अगर आपने अपनी आँखों से देख लिया ना ज़िंदगी में कभी, तो बड़ा मसला होता है फिर, वो बड़े लंबे अरसे तक, बल्कि आखिरी दम तक वो याद रहता है। तो देखी हुई चीज़ जो होती है उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। यही वजह है कि जो टेलीविज़न है, या जो वो इतना फेमस हुआ था, टेलीविज़न वॉज अ बूम अपने ज़माने में, जब टेलीविज़न आया था नया नया, तो लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती थी, और टेलीविज़न का बहुत इस्तेमाल भी किया गया है, जो मास कम्युनिकेशन है, और बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है इस स्क्रीन के ज़रिए, बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशन लाए हैं, वो अब लंबी डिटेल है, अभी मुनासिब नहीं है उसको जिक्र करना। और अभी भी आप देखेंगे जो टिकटॉक है, जो यूट्यूब है, ये विजुअल प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। मैं अपनी खुद बात करूँ तो आई एम अ विजुअल लर्नर। अगर कोई चीज़ मुझे वीडियो में देख के ज़्यादा अच्छी समझ आती है, निस्बतन कि उसको मुझे बुक में पढ़ना पड़े, अभी तो जेन जी है वो तो टोटल विजुअल लर्नर है। जो बुक्स भी हैं मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़ने के बजाय ना ऑडियो बुक मिल जाए, कहीं से मिल जाती है इंटरनेट पे आपको, आजकल जितनी भी बुक्स हैं सबका ऑडियो वर्जन बनाता है ऑथर, उसको पता है कि ऑडियो बुक वाली आवाम बैठी हुई है सारी, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं ऑडियो बुक हूँ कि वो बोलता रहे मैं सुनता रहूँ, सुनने का इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है और पढ़ने में थोड़ी बोरियत भी होती है। तो आपने लिंक्डइन के ऊपर वीडियो जो बना के डालनी है ना अपने प्रोजेक्ट की, उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा। आपकी वीडियो जब कोई बंदा देखेगा तो उसको लॉन्ग टाइम तक आपका शक्ल और आपकी वो जो वीडियो है ना वो याद रहेगी, सही है। और डेमोन्स्ट्रेशन भी आसान है। मिसाल के तौर पे अगर आप टाइम कंपैरिजन करेंगे, जी आपके लिंक पे किसी ने क्लिक किया और क्लिक करके आपने जो भी टास्क या प्रोजेक्ट बनाया था उसको जाके वो एक्सप्लोर करता है, ठीक है, उसको जाके वो जब एक्सप्लोर करता है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा वो काम करने में। प्लस आपने कुछ ऐसे फीचर्स, मिसाल के तौर पर आपने डार्क मोड का बटन कहीं बनाया है, अब वो उसको दिखा ही नहीं, उसने वो देखा ही नहीं, आपने तो बनाया था लेकिन उसको दिखा ही नहीं, उसने वो जो थोड़ा बहुत चलाया वो बाउंस हो गया।
लेकिन वीडियो में क्या होगा, आप प्रेजेंट कर रहे होंगे अपने वर्क को, आपने जो जो छोटे छोटे बटन लगाए ना सारे आप प्रेस कर करके दिखा रहे होंगे कि जी इसमें ये भी हो जाता है, इसमें ये भी हो जाता है, तो दैट वुड बी अ प्रेजेंटेशन। अच्छा, फिर साथ में लिंक भी लगाओ, कोई खुद एक्सपीरियंस करना चाहे तो लिंक पे क्लिक करे, होस्टेड लिंक पे जाके वो खुद से एक्सपीरियंस करे। तो ये आप पे मैंने सैंक्शन आज से लगा दिए कि जी जब तक आप अपना असाइनमेंट बना के गिटहब में पुश करके उसकी होस्टिंग करके उसकी वीडियो बना के लिंक्डइन पे आप पोस्ट नहीं कर देते, जब तक आपका असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा मेरे लिए। ठीक है जी? जी भाई, भाई प्रोफाइल में जो जो पढ़ लिया है वो लिखो और टास्क बना बना के वीडियो डालते रहो। हाँ, स्टूडेंट लिखो ना, उसमें एजुकेशन आ रहा होता है उसमें लगाओ, सैलानी मास ट्रेनिंग लगा दो उसमें। ठीक है, जो तुम्हारे साथ के, अब ये देखो अपना ये आपस में डिस्कशन वाली चीज़ है। अभी आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं इस क्लास में जिन्होंने बड़ी अच्छी गिटहब की और लिंक्डइन की प्रोफाइल बना ली ऑलरेडी, तो आपने क्या करना है, इन सब की प्रोफाइल को एक्सप्लोर करना है। मिसाल के तौर पर आप, आइडियल ये होना चाहिए कि आप ना इन सब को फॉलो कर रहे हो गिटहब में और लिंक्डइन पे, कि ये लोग क्या कर रहे हैं ना सब आपको पता चल रहा है। तो आप, आसान काम है, आप सबके पास बारी बारी जाएंगे, आप कहेंगे यार अपना बताओ लिंक्डइन, आप उसको फॉलो कर लें। अब वो मिसाल के तौर पे किसी ने कोई बहुत अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर दरियाफ्त कर लिया, उससे बड़ी अच्छी अच्छी, अभी एक स्क्रीन शॉट किया गया पाई हुई थी बीच में, वो बड़ा अच्छा स्क्रीन शॉट लेती थी, उसमें वो तीन वो बटन आ रहे होते थे कोने पर मैक स्टाइल का, वो स्क्रीन शॉट आ रहा था। तो अब इस तरह का किसी ने वो सॉफ्टवेयर दरियाफ्त कर लिया और उसने वो डाला वीडियो, तो आपको पता चल जाना चाहिए फ़ौरन, क्योंकि आप सबको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों को ना, ईच एवरी वन के लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि आप सब लोगों को फॉलो करें, कनेक्ट हो जाएं आपस में आप। ठीक है, आप कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, तो किसी एक ने भी अगर अच्छी प्रोफाइल बना ली ना, किसी एक ने भी अच्छे तरीके से कर लिया, तो आप उसको देख के सीख जाएंगे। दैट्स इट।